Hello friends, good morning to all of you. From today I am going to start the new series of meanings in vocab as well as current affairs for daily purpose. So aaj se main the hindu ka daily main vocab bhi karunga aur grammar bhi saath mein rahega aur saath hi saath current affairs ka ek naya series start karne ja raha hu jo होने वाले SSC CGL CHSL या बैंक या PCS के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो रिसेंटली में EFE होने वाला इंग्लिश का उस पर उसके के लिए भी बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलते हैं द हिंदू का फर्स्ट पेज और हर एक पेज में जो जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, जो करंट अफेयर्स है या फिर मीनिंग है उसके रिगार्डिंग, उन सबों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो कृपया कर लास्ट तक देखें। जैसे पहला पेज आपने खोला होगा तो ये हेडलाइन के साथ आया था कि अपोजिशन अर्जेस PM टू स्टार्ट फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन। इसमें बहुत सारे मीनिंग है जो आपको याद भी होंगे, आपको नहीं भी याद होंगे। जैसे अर्जेस, इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट करना या इसका एडजुरेशन होना, ये भी होता है। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं अनुरोध करना। उसके बाद इसमें एक मीनिंग आया है वैक्सीनेशन, तो इट इज़ नोन, वेरी वेल नोन कि वैक्सीनेशन मतलब होता है टीकाकरण या टीका लगाना। तो आजकल पेपर में जब आप देखेंगे तो ये सब भी एक्स्ट्रा मीनिंग आप याद रखिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही फ्रूटफुल होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वैक्सीनेशन मीन्स होता है टीकाकरण या टीका लगाना। इसके अलावा अगर इनोकुलेशन भी रहे या इनग्राफ्ट रहे या इनग्राफ्ट रहे, ये सब सिनोनिम्स ऑफ वैक्सीनेशन होता है। तो आप यह हमेशा याद रखिए इस चीज़ को। और इसमें एक और मीनिंग है, जैसे आप जाओगे आगे तो इसमें एक अनप्रिसिडेंटेड, जैसे इसमें लिखा हुआ है COVID-19 पेंडेमिक हैज एज्यूम्ड अनप्रिसिडेंटेड, मतलब अनप्रिसिडेंटेड मतलब होता है अभूतपूर्व, कि ऐसा कभी नहीं देखा गया। तो एक अच्छा मीनिंग है कि अब अनप्रिसिडेंटेड का होता है अभूतपूर्व। इसमें आप अनइंटरप्टेड, एक यहाँ पर आ रहा है अनइंटरप्टेड वर्ड, इसका मीनिंग होता है कंटिन्यूअस या निरंतर या रेगुलर। तो आप इसको भी याद रखिए कि अनइंटरप्शन जहाँ आ गया इसका मतलब निरंतर हो गया, रेगुलर बेसिस हो गया। इसमें एक मीनिंग आ रहा है आपका यहाँ पर कि कैटास्ट्रोफे, ये कैटास्ट्रोफे का मीनिंग होता है तबाही या प्रलय। जैसे इस हेडलाइन में दिया हुआ है कि कैटास्ट्रोफे कुड हैव बीन अवॉइडेड, ये जो तबाही है और ये जो डिवेस्टेशन है हो रहा है या डिस्ट्रक्शन हो रहा है इस पेंडेमिक के चलते, इसको रोका जा सकता था, उसके बारे में डाला गया। तो इसमें आपका जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है कैटास्ट्रोफे का मतलब क्या होता है, वो एक नॉन है, इसका मतलब होता है तबाही या फिर कुछ डिवेस्टेशन। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट पेज, इसी पेज में अगर नेक्स्ट न्यूज़ आए तो ये जो है मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है पेज, इसमें मैं मीनिंग के रिगार्डिंग नहीं बल्कि कुछ इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग मैं इस चीज़ को उठाया हूँ कि नए रिसेंटली में असम इलेक्शन हुआ, उसके नए जो CM हैं वो हिमांता बिस्वा शर्मा। आप हमेशा इसको याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्ज़ाम में पूछ सकता है। इसमें एक जैसे इसमें लिखा हुआ है ब्री वेरिफिकेशन, ये इस वर्ड्स का मीनिंग अगर मैं पूछूं तो आप जानते हो कि वेरिफिकेशन मतलब होता है चेक करना, कुछ एग्जामिन करना। रीवेरिफिकेशन का मतलब होता है रीचेकिंग करना या पुनः सत्यापन करना। तो आप इसको अपने डायरी में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये असम के CM हैं, उन्होंने कहा है कि ही विल मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर NRC रीवेरिफिकेशन, कि अगर NRC को रीवेरिफिकेशन के लिए डाला गया है तो उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये NRC क्या है इसके बारे में आप जान रहे होंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा यहाँ बवाल भी हुआ था। तो NRC का फुल फॉर्म होता है N फॉर नेशनल, R फॉर रजिस्टर ऑफ, C फॉर सिटीजन्स, यानी जो जेनुइन सिटीजन है उसके रिगार्डिंग, उसको पहचानने के लिए NRC एक्ट लाया गया है जो असम में इंप्लीमेंट किया गया है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इंडिया में इंप्लीमेंट हो। ये 2013 में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के फॉलो करते हुए ये काम किया गया है। थोड़ा सा मैं इस पर चर्चा कर दूं कि असम के जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी हैं और यहाँ 14 लोकसभा और 7 राज्यसभा और 126 MLA का सीट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है, आप हमेशा याद रखिए। अगला पेज में जाऊं तो ये क्वेश्चन है कि इन पेंडेमिक वेव नन कोविड पेशेंट टू आर फीलिंग द हीट।
इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मीनिंग है जो आप जानते भी हो, बहुत सारे नहीं भी, जैसे कि पैंडेमिक, इट इज़ वेरी वेल नोन। तो पैंडेमिक मतलब होता है सर्वव्यापी महामारी, और इसमें एक मिलता जुलता नाम होता है इपिडेमिक, इसका मतलब होता है महामारी। इपिडेमिक मतलब डिजीज, जो बहुत सारे एक आउटब्रेक होता है एक साथ बहुत सारे बड़े एरिया में, उसको बोलते हैं इपिडेमिक। और पैंडेमिक जो उस सिचुएशन को बोलते हैं पैंडेमिक। इसमें एक और है यहाँ पर ये होता है इम्ब्रेस्ड। इम्ब्रेस्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट करना, इट इज़ अ वर्ब सो इट इज़ गिवेन। इम्ब्रेस्ड मतलब होता है एक्सेप्ट करना या अंगीकार करना या गले लगाना। इसको आप यहाँ नोट रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये मीनिंग है। इसके इससे मिलता जुलता एक और भी होता है मीनिंग, या कह सकते हैं इम्ब्रेस्ड। ये इम्ब्रेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, एनॉयड। तो ये भी याद रखिए, इन दोनों अक्सर कन्फ्यूजन होता है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तीन इसमें इम्पोर्टेंट मीनिंग थे जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब अगले पेज में अगर जाऊँ तो ये जो पेज है इसमें मैं कुछ खास मीनिंग के लिए पर्पज़ से नहीं लाया हूँ, इसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो करंट न्यूज़ से रिलेटेड है। जैसे कि इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे नर्स हैं जो केक काट रहे हैं, इसका मतलब कि ये सब सेलिब्रेट कर रहे हैं द नर्स डे, लिखा हुआ है द डॉक्टर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल नर्स डे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल नर्स डे है जो 12 मई हर एक साल 12 मई को मनाया जाता है। किनके याद में, वह फ्लोरेंस नाइटेंगल्स नाम की कोई नर्स थी जो मरीजों की सेवा करती थी, वो बहुत ही फेमस महिला थी, उनके जन्मदिवस पे। और इस साल का थीम है कि नर्स ए वॉइस टू लीड, ये आप हमेशा याद रखिए, दैट कैन बी आस्क इन योर एग्ज़ाम। नेक्स्ट इसमें है एक वोमेन फ्रेंड अरेस्टेड फॉर किलिंग हस्बैंड फॉलोइंग टिफ। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बहुत सारा गुड मीनिंग मैं बता सकता हूँ। ये है कि टिफ, ये आपके ये समझिए कि नया मीनिंग है टिफ। टिफ का मतलब क्या होता है, टिफ का मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई। उसके बहुत से ऐसे नियम्स हैं जैसे फाइट, क्वारल, स्कॉफिंग मतलब होता है हाथाफाई, ब्रॉल मतलब झगड़ा, कंटेंशन मतलब विवाद। तो ये कह सकता हूँ कि फाइट या क्रैश, स्कॉफिंग, ब्रॉल, कंटेंशन, बहुत सारे ये सब चीज़ें जो टिफ का ही सिनोनिम्स है, यानी झगड़े का ही मीनिंग होता है। तो ये इम्पोर्टेंस है। अगला मैं जाऊँ तो इसमें लिखा हुआ ये इम्पोर्टेंस में है एग्जॉर्बिटेंट, ये मीनिंग है। तो एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है एक्सटेंट, अत्यधिक, बहुत ज़्यादा मात्रा में, हद से अधिक, ये कह सकते हैं। जैसे कि दिया हुआ हेडलाइन कि 3 हेल्ड फॉर सेलिंग ऑक्सीजन फ्लो मीटर्स एट एग्जॉर्बिटेंट रेट। इस पेंडेमिक में 3 एक्यूज को पकड़ा गया है ऑक्सीजन मीटर को एग्जॉर्बिटेंट रेट, मतलब बहुत अधिक मतलब रेट में बेचते हुए। तो एग्जॉर्बिटेंट मतलब होता है बहुत अधिक। तो इसके मिलता जुलता एक और नाम होता है एग्जूबिरेंट। एग्जूबिरेंट मतलब भी होता है बहुत अधिक। तो ये एग्जॉर्बिटेंट और एग्जूबिरेंट दोनों का मतलब होता है अत्यधिक, हद से अधिक, या इसको कभी इसका सिनोनिम्स एक्सटेंट भी होता है, एम्पल भी होता है, ये भी याद रखिए। अच्छा, अक्सर एग्जाम अक्सर ये पेपर में देखते हैं एलिजेडली, ये पूछता है, ये दिया हो रहा था एलिजेडली, आप बहुत पाओगे हर एक पेज हर एक सेक्शन में। तो एलिजेडली का मतलब होता है कथित तौर पर, और इससे मिलता जुलता और भी रहेंगे, जैसे एलिजेडली, इसका सिनोनिम्स एलिजेडली हुआ, इसका मतलब एलिजेडली हुआ इंग्लिश में, और इसका सिनोनिम्स जैसे परपोर्टली, ये भी एडवर्ब है और ये भी इसी के सिनोनिम्स है, या रिपोर्टेडली यानी कि कथित तौर पे। जैसे 3 मेन बे अरेस्टेड फॉर एलिजेडली सेलिंग ऑक्सीजन फ्लो मीटर एट एग्जॉर्बिटेंट रेट। 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया है कथित तौर पे 3 ऑक्सीजन मीटर्स को ऊंचे दामों में बेचते हुए। तो ये सब इंपॉर्टेंट थिंग्स है या मीनिंग्स है जो आप हमेशा याद रखिए। एक यहाँ पर है डोजिंग, ये बहुत अच्छा नया मीनिंग है और अक्सर एग्ज़ाम में कह सकते हैं कि पूछा जा सकता है। जैसे कि इसका होता है डिनाई करना, एक्सक्यूज करना, या फिर एक्सक्यूज बनाना, बहाना बनाना, टाल मटोल करना। ये नेक्स्ट पेज में जाऊं तो इसमें एक मीनिंग अच्छा है जो बहुत ही अच्छा मीनिंग है, जैसे रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड मीन दैट यू आर रिलेक्टेंट इन मोड, रिलेक्टिंग मोड। तो इसका एक सिनोनिम्स होता है लोथ, LOATH, इसका मतलब भी अनिच्छुक होता है, रिलेक्टेंट होता है, या LOTH इसका भी होता है। SSC और CGL और बैंक में बहुत ज़्यादा ही इस मीनिंग का है इंपॉर्टेंस। अनइंटरेस्टेड इसी का ही सिनोनिम्स है। तो रिलेक्टेंट का मान सकते हैं, 3 सिनोनिम्स मैं यहाँ बता दिया हूँ।
इसका एंटोनिम्स की बात बोलें तो ये विलिंग मैंने इच्छा है, ईगर मतलब कि आप बहुत ही व्याकुल हैं किसी चीज़ को लेने के लिए, आई इंटरेस्टेड मतलब कि ऑलरेडी इंटरेस्ट हो, रेडी मतलब तैयार हो, तो यही कह सकते हैं रिलेक्टेंट का ये हुआ सिनोम्स है, ये हुआ एंटोनिम्स। अगर नेक्स्ट पेज पे जाएं तो ये है आपका, इसमें अच्छा मीनिंग के रूप में है ये कर्नाटका स्टॉल्स जैज फॉर 8 to 44 ग्रुप, यानी कर्नाटका ने स्टॉल कर दिया है जैब 18 से 44 वर्ष के ग्रुप को वैक्सीनेशन के लिए। स्टॉल मतलब क्या होता है, स्टॉल का मतलब होता है रोकना, जैसे आप सुनते होंगे इनस्टॉल, इनस्टॉल का मतलब क्या होता है, जैसे सॉफ्टवेयर इनस्टॉल करो यानी कि सॉफ्टवेयर को चलाओ, लेकिन अगर इन को हटा दें स्टॉल कर दें इसका मतलब रोकना, तो जैसे स्टॉल का मतलब रोकना हुआ, टालना हुआ, इसका अगर सिनोनिम्स की बात करें तो अवर्ट, स्टॉप, अवॉइड, ये सब इम्पोर्टेंट है मीनिंग। और इसमें एक मीनिंग है रन आउट, ये रन आउट एक्चुअली क्या है ना, ये जहाँ भी आप फ्रेजल वर्ब देखिए आपको याद रखें, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है खासकर ये फ्रेज वर्ब। ये रन आउट का मतलब होता है यहाँ पर ख़त्म हो जाना, जैसे यह मीनिंग है कि हैविंग रन आउट ऑफ वैक्सीन स्टॉक्स फॉर 45 ईयर्स कर्नाटका हैज स्टॉल्ड द जैब्स, मीन्स कि ख़त्म हो जाने के बाद, वैक्सीन ख़त्म हो जाने के बाद जो 45 ईयर्स के हैं उनको रोक दिया गया है वैक्सीनेशन के लिए। तो इसमें दो मीनिंग है, स्टॉल्स में रोकना और रन आउट मतलब ख़त्म हो जाना। अब अगले पेज में जाएं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग भी है। जैसे इसमें है पीएम केयर्स फंड 237 ऑफ 320 वेंटिलेटर्स रिसीव्ड थ्रू पीएम केयर्स फंड डिफेक्टिव, यानी कि 320 में जो 37 जो वेंटिलेटर मिले हैं पीएम केयर्स फंड के थ्रू वो डिफेक्टिव निकल गए, यानी कि खराब निकल गए। इसका मीनिंग होता है खराब, दोषपूर्ण, इनका एंटोनिम्स के रूप में फॉल्टी कर सकते हैं याद, डिफिशियंट याद कर सकते हैं। और ये पीएम केयर्स कहाँ लिखने के बजाय मैं यहाँ रखा हूँ कि पीएम केयर्स बहुत चर्चा में है, तो ये आ सकता है कि पीएम केयर्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएम केयर्स का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस, सी फॉर सिटीजन, ए फॉर असिस्टेंस एंड आर फॉर रिलीफ एंड ई फॉर इमरजेंसी और सिचुएशंस एफ फॉर फंड। तो पीएम केयर्स का फुल फॉर्म होता है द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड, याद रखिए। एक यहाँ पर मीनिंग है, पेपर में बहुत सारा अक्सर ये दिया रहता है सर्जिन, सर्जिन का मतलब होता है उछाल होना, बढ़ना, स्केलिंग अप, इंक्रीमेंट, कुछ भी, ये सब जो बढ़ते हुए क्रम में या बढ़ता है किसी चीज़ को। जैसे एज COVID-19 केसेज कंटिन्यू टू सर्जिन, यानी COVID-19 केसेज है जो लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं, तो सर्जिन का मतलब होता है बढ़ना। अगले पेज में जाएं एडिटोरियल पेज में, इसमें मैं ज़्यादा खास नहीं दिया हूँ, मैं सोचा हूँ कि एडिटोरियल पेज को एक एक्स्ट्रा वीडियो बना कर डालूँ ताकि उसमें जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो भी अपडेट करूँ और मीनिंग है वो तो अपडेट करूँ, बट ऐसे एज ए सैम्पल आई हैव केप्ट हेयर। जैसे इसमें है प्रोटेक्टिंग प्रिजनर्स, यानी प्रिजनर्स को बचाने के रिगार्डिंग कुछ इसमें एडिटोरियल डाला गया है। इसमें जैसे इम्प्रिजमेंट मतलब क्या होता है, कैद होना, एक या एक से मीनिंग है कि एक्चुअली इसमें रखा गया है कि आप कैसे प्रिजनर्स में इतने भरे पड़े हैं, इतना कंजस्टेड एरिया है, आप बहुत सारे प्रिजनर्स हैं, तो इन पेंडेमिक में डर रहता है कि उनको कहीं कोरोना का चक्कर ना आ जाए, इसी कारण उनको रिलीज किया जा रहा है, जो कह रहे हैं कि जो वैल्यूएबल बॉय हैं या प्रिजनर हैं जो इनको पैरोल दिया जा सकता है उनको अब दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, तो उसके तहत इसके पर ये एडिटोरियल है। इसमें कुछ मीनिंग है जैसे पेरेनियल, इसका मतलब होता है चिरस्थाई, मीन इटर्नल, मतलब सदा सदा के लिए, जैसे होता है ना भगवान इटर्नल है, सदा उपस्थित है, इवर लास्टिंग जो कभी ख़त्म नहीं होता, ऑलवेज एग्जिस्टिंग जो हमेशा स्थिर हमेशा एग्जिस्ट करता है, तो पेरेनियल बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है, आप याद रखिए पेरेनियल मींस इटर्नल इवर लास्टिंग ऑलवेज एग्जिस्टिंग, ये सब सिनोनिम्स हैं। इसमें एक मीनिंग है इंटरवेनिंग, ये इंटरवेनिंग का मतलब होता है दखल करना, इंटरफेयर करना, मिडिल बीच बचाव करना, ये इसका याद रखिए सिनोनिम्स। इसी तरह एक सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल, कंसिडरेबल, ये एडजेक्टिव है, तो आप इस चीज़ को याद रखिए, अक्सर ये पेपर में घूमते घूमते रहेगा, आप इसको एक बार राइट डाउन कीजिए, नेक्स्ट टाइम आपको डोंट नीड टू रीचेक रिकॉलिंग। अगले नेक्स्ट स्लाइड में ये है DRDO ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट्स टू बी प्रोक्यूर्ड फॉर 322.5 crore, DRDO ऑक्सीजन सप्लाई के लिए यूनिट बैठाने के लिए 322 करोड़ का खरीदारी किया है कंटेनर।
तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी और जिनके चेयरमैन है वो अभी जी सतीश रेड्डी हैं। इनका जो मुख्यालय है वो बैंगलोर है। अगर मैं कहूँ कि इसमें प्रोक्यूर्ड का मतलब क्या होता है, तो प्रोक्यूर्ड वर्ब है, इसका मतलब होता है हासिल करना, खरीदारी करना, अपनाना या प्राप्त करना। इसमें जैसे कि आपको सिनोनिम्स परचेज हो गया, इंस्टॉल हो गया, इस तरह हो सकता है। इसमें होता है सैंक्शन। सैंक्शन मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। जैसे कि आपको लोन सैंक्शन किया जाता है बैंक, जैसे बैंक हैज़ सैंक्शन योर एजुकेशन लोन, तो सैंक्शन मतलब होता है आपको अलाउ करना, रेक्टिफाई करना, स्वीकार करना। उसी तरह डायस्पोरा, ये डायस्पोरा का मीनिंग होता है, ये सब नाउन है, इसका मतलब प्रवासी, इमिग्रेंट या एक्सपैट्रिएट, ये सब सिनोनिम्स हैं डायस्पोरा के, तो आप याद रखिए। अगला है इसमें ये वाला, हाँ ये स्लाइड में कुछ इम्पोर्टेंट है, फीस आउट। देखिए, नेट स्प्रेड इन गंगा टू फीस आउट बॉडीज़। फीस आउट मीन्स होता है निकालना, बाहर निकालना, किसी को प्राप्त करना। रिसेंटली में न्यूज़ है कि बिहार के पटना के गंगा नदी के किनारे बहुत सारे डेड बॉडी मिली है कोरोना के चलते, तो इसका ये मीनिंग आता है। फीस आउट मतलब होता है बाहर निकालना। तो फीस आउट एक फ्रेजल वर्ब है। इससे रिगार्डिंग बहुत सारे हैं जो इंपॉर्टेंट उपयोगी हैं, जैसे बिग फीस आउट मतलब बाहर निकालना हुआ। अगर बिग फिश रहे, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में बोला जा रहा है। ए फिश स्टोरी मतलब ए बिग लाई। जैसे होता है कि इफ़ यू आर टेलिंग ए फिश स्टोरी मीन्स यू आर टेलिंग लाई। ओके, ड्रिंक लाइक ए फिश मतलब ड्रिंक अल्कोहल इन लार्ज अमाउंट। अगर कोई बोले ड्रिंक लाइक ए फिश मीन्स इट मीन्स होता है ड्रिंक अल्कोहल इन लार्ज अमाउंट। रिट्रीव मतलब होता है एक्सेस, यानी कि पता चलना, पता लगाना। और कॉग्निजेंस मतलब होता है संज्ञान, कि किसी चीज़ को प्रकाश में लाना। याद रखिए इसको, चीज़ को। नेक्स्ट स्लाइड में है, ये लास्ट स्लाइड है और बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है करंट अफेयर्स के व्यू से, मीनिंग से व्यू से भी। इसमें है कि बांग्लादेश रिवर्फ चाइनाज ऑन क्वाड बॉन्डिंग। ये रिवर्फ क्या है? रिवर्फ मतलब होता है आलोचना करना, रिटेलिएट करना, क्रिटिसाइज करना। ये है, बांग्लादेश ने बहुत ही जोरदार रूप से क्रिटिसाइज किया चाइना को कि उसे क्वाड में जाने ना जाने के लिए बॉन्डिंग नहीं दिया जाए। क्वाड एक्चुअली चार देशों का एक कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है, जो रिसेंटली में बनाया गया, रिन्यूअल किया गया इसे। ये इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA, चार देशों का संगम है, चार देशों का ऑर्गेनाइजेशन है, जो 2007 में बना था, बट ये उतना प्रभावी नहीं था। बट 2017 में फिर से इसको रिजेनरेट किया गया और सब मिलकर बैठे और क्वाड का निर्माण किया, जो चाइना को शायद रिटेलिएट करने के लिए बनाया गया है। इसमें एक मीनिंग है डिसेंसी डिकोर, जैसे ढाका आस्क फॉरेन एनवॉय टू मेंटेन डिसेंसी एंड डिकोर। ढाका ने विदेश, जो चाइना विदेश मंत्री है उनको बोला है, राजदूत है, उनको बोला है कि वो सिस्टर दिखाए, शालीनता दिखाए और हम्बलनेस दिखाए। तो इसका मतलब ये होता है। तो ये रहा दोस्तों आपका ये पूरे आज भर का पूरा द हिंदू पेपर में जो इम्पोर्टेंट नेचर न्यूज़ है, उसके मीनिंग है, उसके बारे में एक्सप्लेन। आने वाले स्लाइड में नेक्स्ट डेट के लिए मैं सुबह ही फिर लाऊंगा नेक्स्ट डे, तब तक के लिए आप इसको बढ़िया से देखिए, याद कीजिए। और इसको अगर आप इफ़ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।